हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जो हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले एक नए टैबलेट के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 2020 LTE। तो इसी जो है सैमसंग गैलेक्सी के नए टैब के बारे में आप सभी को सभी जानकारी, यानी कि स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स और जो भी प्राइस है इसकी, वो सभी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसी टैबलेट के बारे में हम जो है बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर जो है यहाँ पे US मार्केट में ये अनाउंस हो चुका है और जो है मार्च 27 से ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे जो है मार्च 27 से इसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो 2020 का ये वर्जन है, ये न्यूएस्ट एडिशन है, आप बोल सकते हैं सबसे नया एडिशन है सैमसंग के लाइनअप में। जो टैब ए सीरीज आती है उनमें जो है ये सबसे नया मॉडल है अभी तक, तो 2020 में लॉन्च हुआ है। इसमें आपको मिलती है 8.4 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले, ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिल जाता है। इसमें आपको लगा होगा कोई भी एक्जिनोस का जो है ऑक्टाकोर का प्रोसेसर। और जो है मैं बात करूं इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको जो है एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि है 3GB प्लस 32GB। तो यानी आपको जो है जो रैम है आपको 3GB की मिलेगी और स्टोरेज जो है वो 32GB की मिल जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। प्राइस जो है इसकी US में $279 है। तो अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखें तो करीब करीब 21,200 रुपीस तक आ जाता है। तो ये जो है आपको 25,000 के बिलो ही देखने को मिलेगा ये टैब। हो सकता है ये 20,000 के बिलो भी देखने को मिल जाए इंडिया में। तो देखते हैं क्या होता है इसकी प्राइस का आगे चल के। तो अभी तो ये जो है करेंटली अवेलेबल है US में और जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। मार्च 27 से इसकी शिपिंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड वर्जन का कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर आपको जो है इस गैलेक्सी टैब ए में सिंगल सिम सपोर्टेड है और एंड्रॉयड 9 देखने को मिल सकता है। और 8.4 इंच की जो ये डिस्प्ले है आपको TFT डिस्प्ले या फिर जो है IPS की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है इस टैब में। और एक्जिनोस का जो है 7904 प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएंट है, इसमें आपको जो है 3GB का वेरिएंट ही मिलता है और जो है सिंगल सिम ही आप इसमें लगा सकते हैं। कैमरास की बात करूँ तो आपको फ्रंट एंड जो है पीछे की तरफ दोनों में आपको सिंगल शूटर्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको जो है 8MP का स्टोरेज देखने को मिलता है, पीछे आपको जो है 8MP का कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको सेल्फीज के लिए भी 5MP का यहाँ पे शूटर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 32GB के ऑनबोर्ड स्टोरेज तो देखने को मिलती है, पर जो है अगर आप एक्सपैंड करना चाहें तो 512GB आप लगा के यहाँ पे माइक्रो SD के जरिए एक्सपैंड कर सकते हैं। इसमें आपको 4G की जो है LTE देखने को मिलती है, यानी कि आप ये टैबलेट जो है वो 4G है। वाईफाई भी यहाँ पे सपोर्टेड है 2.4GHz और जो है 5GHz के बैंड यहाँ पे सपोर्टेड है। ब्लूटूथ है, GPS है, 3.5mm की जो है हेडफोन जैक है, USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है और जो है 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इस टैबलेट में। तो सैमसंग का ये जो है टैब है, इसकी मैं की स्पेसिफिकेशंस में आपको एक बार फिर दे देता हूँ। डिस्प्ले आपको 8.4 इंच का मिलता है, प्रोसेसर सैमसंग एक्सिनो 7904 जो इसमें देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा 5MP का है और प्राइमरी कैमरा 8MP का है। रैम 3GB के है, एंड्रॉयड जो है 9 है, स्टोरेज जो है 32GB की है, रेयर कैमरा 8MP का मैं जैसे बताया और जो है बैटरी 5000mAh की देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या ख्याल है, आपके क्या ओपिनियन से इस सैमसंग गैलेक्सी टैब ए के बारे में, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे, खरीदेंगे क्या, तो क्या यूज करेंगे, क्या स्पेसिफिकेशंस, ये सब सही है प्राइस के हिसाब से आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जो है सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे कर लीजिए नोटिफिकेशन को और जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने